भाजपा के वरिष्ठ आदिवासी नेता विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के चौथे मुख्यमंत्री के रूप में आज शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से पहले विष्णुदेव साय ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और शहीद वीर नारायण सिंह को किया नमन। राष्ट्रवर्ष 2001 में आज ही के दिन संसद भवन पर आतंकी हमले में प्राण न्योछावर करने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से दुर्ग जिले के लोगों को मिली राहत, अब महंगा इलाज कराना हुआ आसान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार, मैं हूं काजल साहू। अब समाचार विस्तार से। भाजपा के वरिष्ठ आदिवासी नेता विष्णुदेव साय अब से कुछ ही देर बाद छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित एक भव्य समारोह में राज्यपाल उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया, छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, सहप्रभारी नितिन नबीन सहित अनेक राज्यों के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता उपस्थित रहेंगे। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दर्शक दूरदर्शन छत्तीसगढ़ पर देख सकते हैं। शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए राज्य भर से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। शपथ ग्रहण समारोह में हर कोई यादगार बनाना चाह रहा है। विभिन्न जिले के सांस्कृतिक और परंपरागत नृत्य दल आज खुशी से अपने कला का शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। साइंस कॉलेज चौपाटी के आसपास मांदर की थाप में कर्मा समूह दल अपनी प्रस्तुति से समा बांध रहे हैं। लोग भी उत्साहपूर्वक नृत्य करने में लगे हैं। बस्तर, रायगढ़, कोरबा और अन्य जिले से दल पहुंचे हैं। पीपल चौक, घोंटमार, जिला कोरबा से पहुंचे कर्मा नर्तक दल उत्साह के साथ अतिथियों के स्वागत के लिए आतुर हैं। सरगुजा संभाग के सीतापुर विधानसभा क्षेत्र से पहुंचे 27 महिलाओं की टीम अपने इलाके से चुने गए प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय को शपथ लेते देखना चाहती हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सकारात्मक सोच के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा कि उनके क्षेत्र से विष्णुदेव साय जी को मुख्यमंत्री बनाए जाने से प्रदेश सहित सरगुजा संभाग में उत्साह का वातावरण है। उन्होंने कहा कि भौगोलिक रूप से पिछड़े हुए सरगुजा संभाग में अब चहुमुखी विकास होगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने से पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने घर में स्थित पूजा घर में देवी देवताओं के दर्शन किए और पूजा में हिस्सा लिया। साथ ही उन्होंने अपनी माता जसमनी देवी का आशीर्वाद भी लिया। उनके साथ पूजा में उनकी धर्मपत्नी कौशल्या देवी ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने नवग्रह पूजा के साथ ही अनुष्ठान भी किया। पूजा के पश्चात विधि विधान से हवन किया गया। मुख्यमंत्री ने इससे पहले गायत्री नगर स्थित जगन्नाथ मंदिर पहुंचे और भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी के दर्शन किए। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के लोगों की सुख समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज शपथ ग्रहण के पहले राजधानी रायपुर में छत्तीसगढ़ राज्य के लिए उल्लेखनीय योगदान देने वाले दो महान विभूतियों को नमन किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने सवेरे अवंती विहार स्थित छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के प्रणेता पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इसके बाद मुख्यमंत्री श्री साय जयस्तंभ चौक पहुंचे और छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी शहीद वीर नारायण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके मातृभूमि के प्रति समर्पण और बलिदान को नमन किया।
छत्तीसगढ़ के चौथे मुख्यमंत्री के रूप में आज शपथ लेने वाले भाजपा के वरिष्ठ आदिवासी नेता विष्णुदेव साय का राजनीतिक सफर काफी उतार चढ़ाव वाला रहा। उन्होंने एक पंच के रूप में अपनी राजनीतिक सफर की शुरुआत की, इसके बाद सरपंच और फिर सक्रिय राजनीति में उन्होंने कदम रखा और धीरे धीरे सबके चहेते बन गए। अब भाजपा ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में उनकी ताजपोशी की है। 21 फरवरी 1964 को जसपुर जिले में कांसाबेल ब्लॉक की बगिया गांव में हुआ विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ की कुनकुरी इलाके के कांसाबेल से लगे बगिया गांव के रहने वाले हैं और वो मूलतः किसान हैं। राज्य में आदिवासी समुदाय की आबादी सबसे अधिक है और वे इसी समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। 1989 में अपने गांव बगिया से पंच पद से राजनीतिक जीवन की शुरुआत करने वाले विष्णुदेव साय 1990 में निर्विरोध सरपंच निर्वाचित हुए थे। वे 26 वर्ष की आयु में तपकरा से विधायक चुनकर 1990 से 1998 तक वे मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे। इसके बाद 1999 में वे 13वीं लोकसभा के लिए रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र से सांसद निर्वाचित हुए। 2004 में 14वीं लोकसभा के लिए रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र से दोबारा सांसद बने। इसके बाद भाजपा ने उन्हें 2006 में पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद 2009 में 15वीं लोकसभा के लिए हुए चुनाव में वे रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र से फिर से सांसद बने। इसके बाद 2014 में 16वीं लोकसभा के लिए वे फिर से रायगढ़ से सांसद बने। इस बार केंद्र में मोदी की सरकार ने उन्हें केंद्रीय राज्य मंत्री इस्पात खान श्रम रोजगार मंत्रालय बनाया। वे 27 मई 2014 से 2019 तक इस पद पर रहे। पार्टी ने 2 दिसंबर 2022 को उन्हें राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य और विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया। इसके बाद विष्णुदेव साय 8 जुलाई 2023 को भाजपा ने राष्ट्रीय कार्य समिति का सदस्य बनाया। विष्णुदेव साय 2020 में भी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। अरे रे, सावधानी हटी तो जेब कट। मेरी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है बैंक में रजिस्टर्ड। तो डिजिटल पेमेंट में धोखा हुआ कभी तो अलर्ट्स मिलेंगे तभी के तभी। पर पैसे तो गए। नहीं नहीं नहीं, पैसे नहीं गए। नहीं जो की लापरवाही तो नहीं करने पड़ेंगे भरपाई। और सुनिए, समय से जो की शिकायत मिलेंगे आपको रिफंड सही सलामत। अब यह कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। चर्चा में इस हफ्ते देखिए लोक गायक यशवंत सतनामी के साथ खास बातचीत, गुरुवार शाम 4 बजे सिर्फ डीडी न्यूज छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राष्ट्र वर्ष 2001 में आज ही के दिन संसद भवन पर आतंकी हमले में प्राण न्योछावर करने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस आतंकी हमले में मारे गए सुरक्षा कर्मियों को श्रद्धांजलि दी। अनेक केंद्रीय मंत्रियों, संसद सदस्यों, पूर्व सांसदों और शहीदों के परिजनों ने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। संसद के दोनों सदनों ने आज वर्ष 2001 में संसद भवन की रक्षा में प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। दोनों सदनों में शहीदों के सम्मान में मौन रखा गया। लोकसभा की बैठक शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने सुरक्षा कर्मियों और अन्य शहीदों के अदम्य साहस को नमन किया और आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष की प्रतिबद्धता दोहराई। आज के दिन हम उन सशस्त्र बलों को की बहादुरी को भी नमन करते हैं जिन्होंने हमारे लोकतंत्र के प्रतीक संसद भवन पर हुए इस कायरतापूर्ण हमले को विफल कर दिया था। आज हम संसद सुरक्षा सेवा
दिल्ली पुलिस सेवा और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के उन 8 सुरक्षा कर्मियों द्वारा दिए गए सर्वोच्च बलिदान का भी स्मरण करते हैं, जिन्होंने इस हमले को विफल करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। इस आतंकवादी हमले में एक CPWD कर्मी भी शहीद हुए थे। ये सभा उन अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करती है। ये सभा उन शहीदों के परिवारों के प्रति सहानुभूति के साथ और दृढ़ता के साथ खड़ी है। इस अवसर पर हम आतंकवाद का डटकर सामना करने के अपने संकल्प को भी दोहराते हैं। राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि बहादुर सुरक्षा कर्मियों ने लोकतंत्र की नींव कमजोर करने की आतंकवादियों की साजिश नाकाम कर दी। वर्ष 2001 में 13 दिसंबर को सुरक्षा कर्मियों सहित 9 लोगों ने आतंकी हमले में संसद की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दी थी। राज्यसभा में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त विधेयक 2023 सदन में पास हो गया है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस विधेयक को राज्यसभा में प्रस्तुत किया। ये विधेयक चुनाव आयोग कानून 1991 का स्थान लेगा। ये मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, वेतन और उन्हें पद से हटाने के बारे में है। विधेयक के प्रावधानों के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रवर समिति की सिफारिश पर की जाएगी। इस समिति में प्रधानमंत्री, एक केंद्रीय मंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता या लोकसभा में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी का नेता शामिल होगा। विधेयक प्रस्तुत करते हुए श्री मेघवाल ने कहा कि इसे सर्वोच्च न्यायालय की भावना के अनुरूप लाया गया है। 10 अगस्त 2023 को राज्यसभा में इसी सदन में ये बिल इंट्रोड्यूस किया गया था। 91 के एक्ट को रिप्लेस करके 91 का जो एक्ट था उसमें बाकी चीज़ें तो सब ठीक थी, लेकिन अपॉइंटमेंट का प्रावधान नहीं था, अपॉइंटमेंट वाला क्लॉज उसमें नहीं था। और आपको जैसे जानकारी है कि 2 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने एक PIL को सुनते समय एक फैसला दिया, अंटिल द पार्लियामेंट मेक्स ए लॉ इन कंसोनेंस विद द आर्टिकल 3242 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस फैसले के अनुसरण में सरकार ये बिल लेकर के आई है। कांग्रेस पार्टी के सांसद रणदीप सुरजेवाला ने विधेयक के प्रावधानों पर चिंता प्रकट करते हुए कहा कि ये संविधान की मूल भावना के अनुरूप नहीं है। नियुक्ति प्रक्रिया के बारे में उन्होंने कहा कि नियुक्ति समिति सिर्फ औपचारिकता है, क्योंकि सरकार का इस समिति पर पूर्ण नियंत्रण रहेगा। तृणमूल कांग्रेस के जवाहर सरकार ने कहा कि ये विधेयक मुख्य चुनाव आयुक्त के दर्जे को कम करता है। DMK के तिरुचि शिवा ने भी विधेयक का विरोध करते हुए इसे अनैतिक और अलोकतांत्रिक बताया। उन्होंने कहा कि नियुक्ति समिति में प्रधानमंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता के साथ साथ भारत के मुख्य न्यायाधीश को भी शामिल किया जाना चाहिए। महंगे इलाज से लोगों को राहत दिलाने के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को 5 वर्ष पूरे हो चुके हैं और बड़ी संख्या में लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। दुर्ग जिले के सरकारी और निजी अस्पतालों में इस योजना के तहत सैकड़ों लोगों का इलाज किया जा रहा है। इनमें हृदय रोग, किडनी जैसी बीमारियों के मरीज शामिल है। दुर्ग जिला अस्पताल में इलाज करा रहे मरीजों और उनके परिजनों ने भी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की सराहना की। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना दुर्ग के नोडल अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार शुक्ल ने बताया कि योजना के शुरू होने के बाद से अब तक जिले भर में 80% से अधिक लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं और करीब 1.25 लाख लोग इस योजना से लाभान्वित हो चुके हैं।
उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 5 लाख रुपए तक का इलाज कराने की सुविधा मिलती है। इसमें कैंसर, किडनी, हार्ट, डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, डायलिसिस, घुटना ट्रांसप्लांट, मोतियाबिंद जैसी कई गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज होता है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।